ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहां पर किसी को कुछ भी बेचने के लिए नहीं बोलने वाला हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो एक नया आदमी नहीं कर पाए। मैं जो भी बातें बताऊंगा वो हर आदमी आसानी से कर सकता है, और यदि वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है तो आसानी से उन कामों को करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। ठीक है। सो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश जोशी एस्पायर टू इंस्पायर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जी हां, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आप जो इस व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हो, आप ही से आज मुझे बात करनी है। कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोस्तों मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि हु आर यू, आप कौन हो? क्या आप जानते हो कि आप कौन हो? क्या कभी आपने खुद के बारे में सीरियसली सोचा है कि आप कौन हो और आपका ताल्लुक किस प्रजाति से है? भगवान ने आपको दुनिया में क्या बनाकर भेजा है, जानते हैं आप? इस सवाल का एक शब्द में जवाब है, मनुष्य। भगवान ने मुझको, आपको, हम सबको इस दुनिया में मनुष्य बनाकर भेजा है, राइट? अब दूसरा सवाल, मनुष्य कौन है? एक्चुअल में पता हम सबको है लेकिन हम भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि भगवान की बनाई इस प्रजाति यानी मनुष्य प्रजाति की यानी आपकी प्रजाति की ताकत क्या है। मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो पहाड़ का सीना चीर के उसके बीचों बीच से रास्ता बना सकता है, और कितना भी ऊंचा पहाड़ हो उसके ऊपर चढ़ के पहाड़ को बौना साबित कर सकता है, वो है मनुष्य। और वो हो आप, उसी की नस्ल हो। कौन है मनुष्य? मनुष्य वो है जो नदियों का रुख भी मोड़ सकता है। नदियों के जैसा बहाव नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी नदियों का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है मनुष्य। मनुष्य चीते की तरह भाग नहीं सकता, ऊपर वाले ने हमें इतनी स्पीड नहीं दी है। भागने में ताकतवर है चीता, लेकिन उस चीते की रफ्तार को पीछे छोड़ा है हमारी बुलेट ट्रेन ने, सही है? और यह भी मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य के पास शेर की तरह पंजा नहीं है कि किसी को एक मारे और उसे ढेर कर दे, लेकिन उसके पास है गोली जो 1 किलोमीटर दूर से भी उसी शेर को ढेर कर सकती है। यह ताकत है मनुष्य की। मनुष्य बाज की तरह उड़ नहीं सकता आसमान के अंदर, है ना? एक बाज जो होता है ना, वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है, और ये 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। सोचिए, यह है मनुष्य की ताकत, और वही मनुष्य है आप। आज साइंस भी मनुष्य के शरीर को बनाने की कोशिश कर रहा है, और जितने पुर्जे बन पाए हैं उनकी कॉस्टिंग आई है लगभग 60 करोड़। सभी पुर्जे अभी बन नहीं पाए हैं, किडनी नहीं बनी, हार्ट नहीं बना, ब्लड नहीं बना, लीवर नहीं बना, जो बना है उसकी कॉस्टिंग आई है 60 करोड़। और बड़े दुख की बात है कि ये जो 60 करोड़ की आइटम है, ये आइटम बाजार में जाती है और बोलती है मुझे 20,000 रुपए में किराए पर रखोगे? 60 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का हमारा जीता जागता शरीर, उसको हमने 15-20 हजार रुपए में किराए पर रखा हुआ है। हमारी सोच आज भी 15-20 हजार में अटकी हुई है, इससे गलत और क्या हो सकता है? आप मनुष्य के संतान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक बात आपको अभी इसी वक्त समझनी जरूरी है कि मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी सोच में होती है। ऐसे ढेर सारे उदाहरणों से ये दुनिया भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी सोच के बलबूते वो कर दिखाया जो पहले दुनिया को असंभव लगता था। विल्मा रुडोल्फ, अब्राहम लिंकन, और हिंदुस्तान की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा और दशरथ मांझी तक। आप किसी का भी जीवन इतिहास उठाकर देख लो, आपको एक ही बात समझ में आएगी कि मनुष्य की सोच इतनी अधिक शक्तिशाली है कि उसके आगे कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए भी आपको ऐसी ही एक मजबूत सोच की जरूरत है, ऐसी सोच जिसमें जिद होनी चाहिए कि हर हाल में डायमंड बनना ही है। साल 2021 पूरा होने वाला है और साल 2022 शुरू होने वाला है। इस साल में अब तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सफल हुए या नहीं हुए, यह बात अब बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, क्योंकि वो वक्त अब निकल चुका है, उसे चाह के भी अब बदला नहीं जा सकता। अब हम सबको फोकस करने की जरूरत है इस साल यानी 2021 के आखिरी बचे हुए 90 दिनों पर, यानी आज से 31 दिसंबर तक। अगले 90 दिनों के लिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने अगले 90 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इस एक स्ट्रेटजी पर फोकस मार लिया और इस पर अच्छे से काम कर लिया, तो मैं दिनेश जोशी इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप अगले 90 दिनों में
कम से कम 100 से भी ज्यादा नए लोगों को सिर्फ अपने एफर्ट से ही अपनी टीम में शामिल कर लोगे। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? क्या आप सब लोग रेडी हैं अगले 90 दिनों में अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को टॉप लेवल पे ले जाने के लिए? क्या आप सब लोग रेडी हैं? जो लोग रेडी हैं और मेरी बात अच्छे से सुन पा रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस आई एम रेडी। देखो दोस्तों, सारा खेल हमारी हैबिट्स का होता है। आप में से जो लोग इस बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग इस बात को अच्छे से जानते भी होंगे कि सफलता की भी आदतें होती हैं, और ये आदतें अपने आप नहीं लगती, ये आदतें आपको जानबूझकर अपने अंदर लानी पड़ती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जो आपको जरूरी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है उन पे फोकस करना और काम करना अगले 90 डेज में आपका सबसे पहला टारगेट होगा। समझ गए? मैं आपको यहां पर कुछ काम बताने जा रहा हूं जिन पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, आपके बिजनेस की स्पीड फास्ट है या स्लो है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यह पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको किस एरिया में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो काम मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं वो सभी काम यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस की सभी हैबिट्स आप में ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएंगी। ध्यान देना, मैं यहां पर किसी को कुछ भी बेचने के लिए नहीं बोलने वाला हूं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो एक नया आदमी नहीं कर पाए। मैं जो भी बातें बताऊंगा वो हर आदमी आसानी से कर सकता है, और यदि वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है तो आसानी से उन कामों को करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। ठीक है? नंबर वन, आप लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, कम से कम 200 लोगों का लिस्ट आपको बनाना है। सबसे खराब आदत जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होने देती वो है छोटी लिस्ट बनाना। ये सबसे खराब आदत है। 200 250 से कम यदि आपके पास लिस्ट है तो सबसे पहले आपको अपनी इसी आदत को ठीक करने की जरूरत है। लिस्ट बनाना नहीं आता है तो लिस्ट बनाने के बारे में हमारे चैनल पे जो ट्रेनिंग वीडियो है वो देखिए, उसमें सारी जानकारी दी गई है। लिस्ट मेकिंग से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मेकिंग से रिलेटेड वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लेना। ठीक है? जैसे ही 200 लोगों का लिस्ट आप बना लेते हैं आपको मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स। नोट कर लेना, कितने पॉइंट्स? 200 लोगों का लिस्ट आप बनाते हैं आपको मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स। समझ गए? अब आपने क्या करना है? अब आपने उनको कॉल करनी है। हर एक कॉल पे आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। नोट करते चलना, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। ध्यान देना, अभी आपको सिर्फ कॉल करने के लिए कहा है। ठीक है? अभी इनवाइट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ कॉल करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिसको आपने काफी समय से कॉल नहीं किया है तो पहले रिलेशन को वार्म अप करना है। सीधे ही कॉल करके नहीं बोलना है कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा हूं। समझ में आ रहा है? ऐसा बोलोगे तो क्या होगा? सामने वाला बोलेगा, कभी ना तो तूने हैप्पी ईयर बोला, हैप्पी न्यू ईयर बोला, ना तो कभी तूने हैप्पी बर्थडे बोला, और आज अपना काम पड़ा तो आ गया। फिर वो आपको स्वार्थी समझने लगेगा। इसीलिए पहले रिलेशन को वार्म अप करने के लिए नॉर्मली कॉल कीजिए। एक बार वार्म अप आपने कर लिया उसके बाद उनको सिंपली अपने घर पे या वेन्यू पे या ऑनलाइन मीटिंग में आने के लिए इन्वाइट कीजिए, या फिर उनके घर पे जाने के लिए उनसे टाइम ले लीजिए। ठीक है? यहां पे फिर आपको इन्विटेशन में क्या बोलना है? ठीक है? इन्विटेशन में क्या बोलना है, इन्विटेशन में क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो इस कॉलिंग की पूरी प्रोसेस के दौरान हर एक कॉल पे आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। ठीक है? 50 पॉइंट्स कमाने हैं आपको। ठीक है? डेली आपको 50 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। ठीक है? और आपको जैसे 50 पॉइंट्स आपको करने हैं तो अगर आपने 25 कॉल्स करी हैं तो आपके 50 पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है? एक नया बंदा जो होता है ना, जो नया बंदा इस बिजनेस में आता है वो मानता हूं कि बेच नहीं सकता, पर दिन भर में 25 कॉल्स तो कर ही सकता है ना। पर डे 25 कॉल्स करके देखो आप, लोग आपको दौड़ाना चालू कर देंगे, आपके पास इतना काम आ जाएगा, इतना बिजनेस आ जाएगा आपके पास कि फिर उसके बाद आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी। कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपको नया धंधा नहीं मिलेगा। पर ये बेसिक काम करना आपको जरूरी है। इन्हीं में से कुछ कॉल्स सक्सेस होंगी आपकी, है ना? जब आप लोगों से कॉल्स करेंगे, बातें करेंगे, तो कुछ कॉल्स क्या होंगी? सक्सेस होंगी।
यानी या तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास आ जाएगा या आपको उनके पास जाने का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक सक्सेसफुल कॉल कहेंगे। तो हर एक सक्सेसफुल कॉल पे आपको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉल चाहे अनसक्सेसफुल है चाहे सक्सेसफुल है, अगर कॉल अनसक्सेसफुल रह गई तो 2 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अनसक्सेसफुल भी रही तो। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गई तो आपको सक्सेसफुल कॉल पे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, राइट। अब आता है प्लान प्रेजेंटेशन एंड डेमो, इसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब या तो केवल आप 10 प्रेजेंटेशन कर दो दिन भर में, दिन भर में आपने 10 लोगों को प्लान दिखा दिया तो आपके 50 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 10 प्रेजेंटेशन से आपका पूरा दिन खत्म हो गया, आपने दिन भर के अंदर अपने 50 पॉइंट्स गेन कर लिया। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेल हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, लोग जुड़े नहीं जुड़े इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने 10 प्रेजेंटेशन कर दी आपका काम हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर आगे क्या आता है, आगे आता है 5 पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे जब आप कम से कम 2000 रुपए की क्लोजिंग डालते हो, ठीक है। जिस दिन आपने 2000 रुपए की क्लोजिंग डाली उस दिन आपको 5 पॉइंट्स इसके क्लोजिंग के भी मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपने 2000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेच दिया या आपने 1000-1000 के 2 प्रोडक्ट किसी को दिला दिए या 500-500 के 4 या उससे भी कम 250-250 के 8 प्रोडक्ट आपने निकाल दिए, ये 2000 रुपए की क्लोजिंग जब भी आप करते हो आपको 5 पॉइंट्स बनेंगे। समझ में आया। अगर क्लोजिंग नहीं भी हुआ लेकिन आपने फॉलोअप बहुत अच्छे से किया था उस फॉलोअप के लिए भी 2 पॉइंट्स आप इसमें गिन सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया। यानी आपने फॉलोअप करना है और क्लोजिंग करने की कोशिश करनी है, क्लोजिंग हो गई तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर क्लोजिंग नहीं भी हुई तो भी आपको फॉलोअप के 2 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, जो बड़ी वाली ट्रेनिंग होती है ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये जो बड़ी बड़ी मेन ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपको रेगुलरली कुछ नया सीखने को मिलता है, तो हर एक ट्रेनिंग पे आपको 25 पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। 25 पॉइंट्स आपको मिलते हैं ट्रेनिंग के, उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे आप हमारा MLM का सत्संग डेली अटेंड करते हैं ना, तो अगर आप उसे पूरा देखते हो तो आपको 25 पॉइंट्स ट्रेनिंग के वहां से भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए 25 पॉइंट्स हैं वो आप दिन भर की अपनी वर्किंग से पूरे करेंगे। समझ में आया। जब आप बुक पढ़ेंगे कम से कम 1 घंटा या किसी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की कोई वीडियो आप देखेंगे तो वहां से भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सो ये सारे पॉइंट्स हैं और यही काम आपको दिन भर में करने हैं, ठीक है। और अगले 90 डेज सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स कमाने के लिए ही काम करना है। 50 पॉइंट्स पर डे आपको कमाने हैं इस साल के आखिरी क्वार्टर में। सिर्फ इस एक हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लो, आपका पूरा करियर, आपका पूरा बिजनेस राइट ट्रैक पे आ जाएगा। आपने अब तक क्या किया क्या नहीं किया ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, लेकिन यदि आपने अगले 90 दिन लगातार इस काम को कर लिया और 50 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से 4500 पॉइंट्स या उससे ज्यादा अगले 90 दिन में अगर आपने गेन कर लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि कम से कम 100 से भी ज्यादा नए लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके होंगे और फिर आप कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखेंगे। आपकी लाइफ की सक्सेस का सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा और एक एक करके आपके सारे ड्रीम्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे। पर आपको इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि आपको बीच में ब्रेक बिल्कुल नहीं करना है। 90 दिन लगातार आपको यह काम करना है, 50 पॉइंट्स पर डे आपको गेन करने हैं। देखो दोस्तों, जीवन में केवल एक बार अगले 3 महीने के लिए आप अपने आप को झोंक दो। विश्वास करो, आपके पूरे खानदान का इतिहास आपके हाथों से लिखा जाना है। आपके अंदर भी वो ताकत छुपी हुई है जो दशरथ मांझी के अंदर थी। दशरथ मांझी के अंदर जो ताकत थी वो आपके अंदर भी है। उसने 22 साल बिना रुके हर रोज लगातार काम किया था और उसका परिणाम क्या था, एक पूरे पहाड़ को बीच से चीर कर रख दिया था उसने। फिर आपको तो बस 50 पॉइंट्स पर डे ही कमाने हैं और वो भी बस 3 महीने लगातार। सो पूरी ताकत से जुट जाइए और यही स्ट्रेटजी अपनी टीम को भी बताइए ताकि ये साल खत्म होते होते आप और आपकी टीम मिलके नया इतिहास लिख डालें। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है
और ये 50 पॉइंट्स पर डे स्ट्रेटजी आपकी समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस किस लीडर तक ये स्ट्रेटजी पहुंच गई है। दोस्तों इस वीडियो को अपने नेटवर्क में हर उस व्यक्ति से शेयर जरूर करिएगा आपके अनुसार जिसको इस स्ट्रेटजी की जरूरत है और उसे इस स्ट्रेटजी से फायदा हो सकता है, उसे ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और जाते जाते यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।